सहज सुख रासी। सो माया सब भयो गुसाही, बांध्यो कीट मरकट की नाही। नारद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर छोटी सी छोटी जीव, एक चींटी के अंदर भी परमात्मा का अंश है। हम जानबूझ के यदि एक छोटी सी चींटी को भी मार देंगे जानबूझ के, तो भागवत में लिखा है कि उसका हमें वो ही पाप लगता है जो हम किसी जीव की हत्या करेंगे, किसी पशु की हत्या करेंगे। जानबूझ के नहीं मारना चाहिए। सुखदेव महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, महाराज तो हम जब झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं, उस समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, तो उनका पश्चाताप क्या है फिर? तो आज भगवान कहते हैं सुखदेव महाराज, जो अनजाने में पाप हमसे होते हैं उनके लिए हम पश्चाताप नहीं, उनके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले जब हमें लगे कि आज हम काम से फ्री हैं, आज कोई काम नहीं है, तो जहां चींटियां हों, जहां छोटी छोटी मछलियां हों, उन्हें जाकर के कुछ खिलाएं, पक्षियों को दाना चुगाएं। जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो हमारे इन जीवों को खिलाने से छीड़ हो जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनते हैं। परीक्षित जी महाराज ने ध्रुव जी वंश की कथा सुनाई और कहा केवल प्रत्येक श्वास पर परमात्मा का नाम जप कि श्वास श्वास पे राम भज, व्रथा श्वास ना खोए ना जाने या श्वास को फिर आव न हो न हो। बोले प्रत्येक सांस पर परमात्मा का स्मरण करो। आज इतनी सुंदर कथा। परीक्षित जी महाराज बोले मेरा मन होता है कि हम सुखदेव महाराज से कहने लगे, गुरुदेव ध्रुव जी जब इतने महान संत हैं तो इनके वंश की हमें थोड़ी सी कथा सुना दो। तो सुखदेव महाराज आज इनके वंश की कथा सुनाते हैं। ध्रुव जी महाराज के हुए उत्कल, उत्कल महाराज के पुत्र बेनु हुए, बेनु महाराज के अंग हुए जो उद्दंडित हो गए, तो संतों ने इन्हें श्राप दे दिया और इनकी मृत्यु हो गई। संतों ने कहा राजा मारा गया तो किसी को राजा तो होना चाहिए कोई ना कोई, तो इन्हीं के शरीर का मंथन प्रारंभ किया। तो प्रथु और अर्ची देवी को उत्पन्न किया। इनसे कहा आप राज्य को चलाओ। प्रथु महाराज ने राज को तो चलाया लेकिन आज प्रजा जो है दुखी रहती है, क्योंकि इनसे पहले जो राजा हुए हैं बेनु वो पाप कर्म करते थे। तो पृथ्वी का एक नियम होता है कि अच्छे के साथ में बुरे को भी दंड मिलता है। जैसे कहते हैं भैया कि चोर की संगति करो, चोरी करो या ना करो लेकिन तुम्हें दंड तो मिलेगा। गेहूं के सम में बथुआ में पानी लगता है गांव की भाषा में। ऐसे ही कुछ अच्छे लोग थे।